Hello guys, this is Nagao Beach and welcome to my vlog once again. हेलो दोस्तों, ये है नागांव बीच और ये पुणे से ऑलमोस्ट है 151 किलोमीटर दूर और मुंबई से आपको ये ऑलमोस्ट 101 किलोमीटर दूर देता है। वैसे तो ये आता है अलीबाग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और जैसे कि मैं ऑलमोस्ट मुंबई से ट्रैवल किया हूँ और पुणे मुंबई जाने के बाद मैंने ट्रैवल किया है मुंबई से नागांव, तो मुझे ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे लगे नागांव बीच पहुँचने के लिए। सुबह में बहुत सारी गाड़ियाँ मुंबई से निकलती है, ST है, बसेस है, ऑलमोस्ट बहुत सारी बसेस है जो कि नागांव बीच में पहुँचती है। ये बीच में आपको बड़ी कोस्ट लाइन दिखाई देगी, आप वॉक भी ले सकते हो और दूर दूर तक आपको पानी में चलते हुए बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने देखा है कि बहुत सारे कोस्ट लाइन इतने ज़्यादा वाइड नहीं होते हैं, तो मुझे ये स्पेशल बात लगी ये बीच पे। और गाइस, मुझे लगता है कि यहाँ पे विज़िट करने के लिए सबसे अच्छा वेदर जो है अक्टूबर टू दिसंबर हो सकता है, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे अक्टूबर ऑलमोस्ट नवंबर में विज़िट किया है, तो मुझे तो लगता है ये बेस्ट वेदर होगा। क्योंकि सुबह में आया था तभी बहुत ज़्यादा फॉग नहीं था, ऑलमोस्ट थोड़ा सा फॉग था, बहुत मस्त वेदर था, और शाम को भी हल्का हल्का सा फॉग आने लगा था, तो मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर इज़ द बेस्ट वेदर टू विज़िट ओवर हियर। अगर कोई राइड्स में इंटरेस्टेड हो, यहाँ पे बनाना राइड्स है और मोस्ट ऑफ द टाइम राइड्स होती है बीच पे, लेकिन पैरासेलिंग नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको पैरासेलिंग भी मिलेगा, 1500 में 2 लोग जा सकते हैं, जैसे कि मैंने पैरासेलिंग भी किया है। यहाँ मेरा तो फर्स्ट ट्राई था दोस्तों, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया पैरासेलिंग करते वक्त। मैंने जो पैरासेलिंग किया है मैं आपको वो छोटी क्लिप भी दिखाऊँगा इसमें। एक्चुअली मेरे दोस्तों ने वीडियो निकाला है, तो वीडियो माइंड मत कर देना दोस्तों, थोड़ा सा डार्क है लेकिन यार दोस्तों बहुत ही मज़ेदार है। दोस्तों, कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट्स में और लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।